How are we going about it? We just so we start with bites. Whatever. Are we starting with any questions and answers or something? Or मेरा पील हो रहा है बिकॉज टैन के वजह से यूएस के वजह से माय स्किन दिख रहा है बहुत ज़्यादा नहीं अभी नहीं दिख रहा बाल है ना हम ये आप ये साइड पे आ सकते हैं हाँ ये प्रोफाइल पे थोड़ा सा इधर ले लो जी माइक चेक हाँ बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड थैंक यू एक बहुत ही अच्छा शानदार फोटोशूट चल रहा है जी वी जस्ट वांट टू नो किस तरह का ये फोटोशूट होगा और किस पर्पस के लिए जी सो एज अ मॉडल यू नो आई ऑलवेज कीप डूइंग फोटोशूट्स एवरी सिक्स मंथ्स हर छः महीने में हम अपना पोर्टफोलियो रिफ्रेश करते हैं बिकॉज आप यू आर चेंजिंग एवरी सिक्स मंथ्स आपके लुक्स बदल रहे हैं आप की पर्सनालिटी बदल रही है सो देयर इज अ न्यू यू सो इट्स अ नॉर्म हर छः महीने में हम पोर्टफोलियो अलग अलग फोटोग्राफर्स के साथ शूट करते हैं सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फोटो शूट एंड आई हैव बीन वेरी लकी दैट मुझे मौका मिला है दुनिया के बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स के साथ शूट करने का इंडिया के टॉप फोटोग्राफर्स के साथ शूट करने का राइट फ्रॉम अतुल टू दबू टू रफीक सैयद टू प्रसाद नायक टू सुरेश नटराजन टू सो मैनी सो वेरी वेरी आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस उसके बाद आइफा के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू होस्ट आइफा द ग्रीन कार्पेट एंड आई मेट सो मैनी of our fraternity people there and it was such a successful event khas karke jo sare wahan ke locals the wo kitne excited the ki bollywood ka koi itna amazing event wahan pe ho raha hai so log दूर दूर से ट्रैवल करके वो इवेंट एक्चुअली 6 घंटे लंबे खींच गया तो सारे लोग एंड यू नो 1 घंटा ट्रैवल करके 6 घंटे शो में बैठकर 1 घंटा वापस आना सो 8 घंटे का वो जो पूरा ये था लोगों ने इतने हंसी खुशी और प्यार के साथ उस इवेंट को विटनेस किया दैट इट वाज समथिंग टू सी यू नो सो या इट वाज अमेजिंग टू बी एसोसिएटेड विद आइफा आइफा का जो ये फेस्टिवल था ये एंथुसियाज्म की वजह से अपने आप पॉपुलर तो हुआ ही जी. लेकिन एक एक्ट की वजह से भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ नेपोटिज्म रॉक्स तो इस पर आप क्या कहेंगे यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन सो व्हाट डू यू लाइक share something about this issue kyunki ye issue kangana ne bahut issue jee jee aap bhi bollywood fan jee jee so what would you like to say about nepotism bollywood you know I personally feel nepotism sirf bollywood mein nahi har jagah hai bahut sare industries mein hai jahan pe reference ke through recommendation ke through ya shayad family background ki wajah se aapko better opportunities milti hain there's no denying that fact आई डू अग्री कि अगर आप एक फिल्म फैमिली से आते हैं तो आपके लिए डोर्स ज़्यादा खुले रहते हैं थोड़ा आसान होता है आपके लिए थोड़ा नहीं काफ़ी आसान होता है एटलीस्ट वो फर्स्ट ब्रेक मिलना उसके बाद चलना ना चलना और सक्सेस मिलना ना मिलना इज़ अनदर बॉल गेम बट वो पहली चीज़ को क्रैक करना डेफिनेटली ईजी हो जाता है इफ़ यू आर फ्रॉम अ फिल्म फैमिली आई थिंक आई वुडंट डिनाई दैट बट बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं बॉलीवुड में जो बिना किसी बैकिंग के खड़े हुए हैं जैसे कि शाहरुख खान सबसे बड़े एग्जांपल हैं कंगना खुद बहुत बड़ी एग्जांपल है कि शी इज़ मेड इट ऑन हर ओन यू नो ऑफ कोर्स देयर वुड बी पीपल ऑलवेज टू पुश यू फर्दर टू हेल्प यू टू गाइड यू बट प्रीटी मच सो आई वुड बिलीव कि ये भी है और वो भी है तो नेपोटिज्म भी है बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोग खुद अपने पैरों पे खड़े हुए हैं विच ऑल्सो प्रूव्स कि अगर आपका नसीब बुलंद हो और आप में टैलेंट हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता ओके इस तरह इतने बड़े स्टेज पे इस तरह से नेपोटिज्म को लेके मजाक उड़ाना फिर बाद में उस बात का एहसास करना फिर उसकी माफ़ी मांगना हाउ जस्टिफाई यू थिंक यू नो नेपोटिज्म कि यू नो फर्स्ट दे से यू नो नेपोटिज्म रॉक्स देन दे कम ऑन ट्विटर You know, they say ki this is sorry, apologetic, and we are sorry for it.
डू यू थिंक इट जस्टिफाई नो एक बार आप जाते हैं आप किसी का मजाक उड़ाते हैं विद पीपल फ्रॉम द फीमेल फ्रॉम योर इंडस्ट्री फिर आपको लगता है कि हमने गलती कर दी फिर आप उसको ठीक करते हैं हाउ जस्टिफाई इट इज आई डोंट मे बी एट द मोमेंट उनसे वो लाइक दे सेड कि मजाक हो गया बट यू नो इन अ टाइम लाइक दिस जहाँ आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं बिकॉज सोशल मीडिया इतना रैम्पेंट है इतना स्ट्रांग है आज के टाइम पे एंड दीज आर ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल मतलब ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट होंगे सो आई बिलीव मजाक में कह रहे हैं बट आई थिंक एट अ टाइम लाइक दिस कोई चीज़ शायद मजाक में नहीं ली जा सकती आई थिंक वन हैज़ टू बी सो 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 गार्डेड एंड केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज कोई भी चीज़ जाके कब ट्विस्ट हो जाए यू डोंट नो यू नो सो आई थिंक मुझसे भी ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ चीज़ कही है वो कुछ और चीज़ बनकर इंटरनेट पे आई है और मैंने खुद जब रीड किया मैंने सोचा कि मैंने ऐसा एक्चुअली नहीं बोला बट आई थिंक इट्स अ टाइम इट्स द टाइम्स आर सच दैट वी नीड टू बी मे बी एक्स्ट्रा 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 केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर सेइंग ओके यू नीड अ या और भी हम जानते हैं कि आपके और भी लाइनअप्स हैं साउथ की फिल्में भी कर रहे हैं जी तो लेट अस नो अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जी सो आई हैव डन अ साउथ फिल्म कॉल्ड किंग लायर विद द मलयालम सुपरस्टार दिलीप एंड इट वाज सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी द फिल्म डिड वेरी वेल द फिल्म वाज अ सुपर हिट एंड उसके बाद अराउंड द सेम टाइम आई हैड साइंड अ फिल्म कॉल्ड बाबा ब्लैक शीप जिसमें जिसको विश्वास पांड्या ने डायरेक्ट की है एंड देयर इज अनुपम खेर इन इट देयर इज मनीष पॉल देयर इज मंजरी देयर इज के मेनन देयर इज अनु कपूर So it's a comedy thriller and it's an ensemble cast and it should release in a few months and I'm very excited about that. And I don't know if you all have watched Inside Edge, the web series, I'm a part of that. So it was amazing to shoot that series and to be part of such an amazing show produced by Excel, you know, which I feel is, makes amazing content so I'm very thankful that I got these opportunities okay thank you so much and wish you all the best thank you. So sweet of you thank you okay I think if you all got any behind notes so I'll just properly post because right now main jo